आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा। दोस्तों आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बबीता फोगाट ने इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। बबीता बाडरा या चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ सकती है। बबीता ने अपने पिता महावीर फोगाट के साथ बीजेपी ज्वाइन की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर बबीता फोगाट ने हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि बबीता हरियाणा की बाडरा या चरखी दादरी सीट से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। हाल ही में बबीता ने अपने पिता महावीर फोगाट के साथ बीजेपी ज्वाइन की थी। फोगाट बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर अगला चुनाव लड़ सकती है। बबीता फोगाट ने गुरुवार को एक ट्वीट लिखा, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर राजनीति में नई शुरुआत कर रही हूं। आप सबसे भी आह्वान करती हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथों को मजबूत कीजिए। इससे पहले पहलवान बबीता फोगाट और उनके पिता महावीर फोगाट केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महावीर फोगाट इस साल की शुरुआत में अजय चौटाला की जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद रिजिजू ने महावीर फोगाट की सराहना की थी। उन्होंने कहा, उन्होंने कई महान पहलवानों को बनाया है। फोगाट के पार्टी में शामिल होने के बाद रिजिजू ने कहा, बीजेपी के लिए यह गर्व की बात है कि दो पहलवान जिन्होंने भारत को गर्व करने का अवसर दिया है पार्टी में शामिल हुए हैं। हरियाणा का सबसे विश्वसनीय चैनल रियल न्यूज।